नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने खाली जमीन पर अवैध रूप से बन चुकी कच्ची बस्ती के सड़क तक आ चुके अतिक्रमण को शुक्रवार सुबह हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने यह कार्रवाई की। इस कच्ची बस्ती को लेकर काफ़ी अरसे से शहर भर में भी चर्चा है कि स्टेशन के सामने अवैध रूप से बस गई इस बस्ती का निस्तारण कैसे होगा। उसके लिए यहाँ बसे लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए आवासों में भी बसाने की बात चली थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। फिलहाल इन लोगों ने सड़क पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। ऐसे में फिलहाल सड़क की सीमा तक आ चुके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण को हटाने के लिए सुबह 7 बजे से निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट के साथ निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा। सबसे पहले एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर और कमिश्नर हिम्मत सिंह बारट ने लोगों से अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने की अपील की। उसके बाद सड़क से 10 फीट तक का अतिक्रमण हटाया गया। निगम कमिश्नर हिम्मत सिंह बारट ने बताया कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन इस बार स्थायी कार्रवाई करते हुए सड़क के 10 फीट तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ ही मार्किंग करते हुए 1 फीट की नींव भी खोदी जा रही है, जहां बाद में स्थायी दीवार बना दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान निगम के सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी व संबंधित वर्तमान निगम भाजपा बोर्ड के पार्षद और समिति अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेसी पार्षद भी मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासन से जुड़े जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही 100 पुलिस बल व 100 होमगार्ड तैनात रहे। कई JCB और कई फोकलैंड मशीन के साथ निगम का एक बड़ा लवाजमा मौके पर मौजूद रहा। प्रशासनिक अधिकारी व हिम्मत सिंह बारट की अपील पर कई लोगों ने अपना अतिक्रमण हटाने के तहत किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन हल्का फुल्का लोगों का विरोध भी देखने को मिला। वर्तमान नगर निगम के भाजपा बोर्ड में अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने बताया कि यह कोई भाजपा या कांग्रेस की कार्रवाई नहीं है, ये संपूर्ण उदयपुर की मांग थी, क्योंकि लंबे समय से ये अतिक्रमण करके लोग सड़कों तक पहुंच गए थे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उदयपुर शहर पर्यटन की नगरी है और रेलवे स्टेशन के माध्यम से कई राज्य और कई देशों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जो बाहर आने के साथ ही इस अतिक्रमण और गंदगी को देखने वे पूरे उदयपुर की छवि को अपने मस्तिष्क में बनाने का काम करते थे। पत्रकारों से वार्ता करते के दौरान छोगालाल भोई ने बताया कि शहर में छोटा या बड़ा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं सहन किया जाएगा। के दूसरी ओर जो आप ये नज़ारे देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 57 के हैं, जहां एक तरफ छोगालाल भोई अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है, वहीं इस क्षेत्र के पार्षद भी है, जो इनके वर्तमान कार्यालय से मात्र 25 मीटर की दूरी पर नज़ारे हैं, जहां पर लंबे समय से क्षेत्र में रहने वाले लोग इन व्यवसायियों और सब्जी बेचने वालों से परेशान और त्रस्त हैं, जिसकी शिकायत लंबे समय से निगम के सभी विभागों से तक कर दी गई है, लेकिन इसका किसी प्रकार से कोई निस्तारण नहीं किया जा सक रहा है। किसी ने कोई कार्यकाल नहीं है, उदयपुर की एक जन समस्या थी। हाँ। उदयपुर का भला हो रहा है। हाँ। ये कोई हमारा कार्यकाल नहीं, पूरे उदयपुर का कार्यकाल है। जैसे कि मेरे उपमहापौर पार्वती सिंह भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारे सब समिति के अध्यक्ष भी हैं, मतलब पूरे बोर्ड ने पास किया, इसमें कांग्रेस के पार्षद भी हमारे साथ है, क्योंकि ये उदयपुर की समस्या है। और आप मीडिया वाले भी शायद खुश हो रहे होंगे कि हम लोग आराम से जाएंगे, कई सारे इस मोड़ पे एक्सीडेंट होते हैं, तो अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे आगे और देखो क्या होता है। अरे जो सड़क पर आएगा, चाहे वो मेरा बाप भी हो, हटे ना सड़क से यार, बस्ती से क्या कहे, मैं सड़क पर हूँ तो मुझे हटाओ, सड़क पर क्या काम है यार, सड़क से तो हटना पड़ेगा क्या, नहीं तो फिर तो हर कोई अतिक्रमण करने लगा सड़क पे यार, तो सड़क से तो हटना पड़ेगा, पूरे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सड़क से तो हटो, पीछे हटो तो हम